उम्मीद करता हूँ। तो खासकर बच्चों को ये बात कहना चाहता हूँ कि आप बच्चों बहुत खुशनसीब हैं कि आपको ऐसे उस्ताद-ए-किराम दिए हैं, मिले हैं। हम तो बदनसीब थे, हमें ऐसे उस्ताद नहीं मिले थे। आप हम उस दौर की पैदावार हैं, मेरी जनरेशन हो या मुझसे पहले का हो, हमने तो सिर्फ एटम बम बनाए, हाइड्रोजन बम बनाए, हमने नफरतों के साजो सामान बनाए। आपसे एक मेरी गुजारिश है कि कभी जिंदगी में अगर आपने बढ़ना है, आगे जाना है, सबको पीछे छोड़ना है, कभी किसी से नफरत नहीं करना। सबको अपना भाई, अपनी बहन, अपना बड़ा, अपना छोटा, और इज्जत और रिस्पेक्ट से पेश आना है। आपने एक लंबी रेस, एक लंबा फासला चलना है। छोटी छोटी बातों को, छोटी छोटी परेशानियों को आपने साथ लेकर नहीं करना है। आप वो जनरेशन हो, आप वो बच्चे हो, जो आपने हमारी हमसे जो गलतियां हुई, हमने जो नफरतें फैलाई हैं, आप उन सब को, उन औजार को सबको नकारा करेंगे और एक लव का, एक मोहब्बत का पैगाम देंगे। और आप तालीम हासिल करेंगे, तालीम कहाँ तक हासिल करेंगे? तालीम आप हासिल करेंगे इलम की हद तक। जब तक आप में इलम ना आ जाए, इलम से क्या होगा आप में? इलम से आप में एक तरबियत आएगी, आपको अखलाक आपके अच्छे होंगे, और जो आपका इलम होगा आपको आपके रास्ते से भटकने नहीं देगा। और जब अखलाक की हद तक आप पहुंच जाओगे, जो आप कम्युनिटी के काम आओगे, जो आप समाज के काम आओगे, जो आप हमारे काम आओगे, और उसमें अल्लाह ताला बहुत बरकत करेगी। मैं ये दुआ करता हूँ कि आप आज यहाँ बैठे हो, कल आप यहाँ हो, इससे बड़ी उस्ताद के लिए खुशी की कोई आपको इस नदीम शेख साहब के प्रोग्राम के हवाले से की है कि आप एक इस प्रोग्राम का हिस्सा हो। मैं एक बार फिर नदीम साहब को, इनके परिवार को, मैंने सुना है ये बच्चियों के बाप हैं, बड़े खुशनसीब बाप हैं जिनको अल्लाह ने बच्चियां दी हैं। और मैंने ये भी सुना है कि इनकी तालीम और तरबियत में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी, और इन्होंने अपनी बच्चियों को गवर्नमेंट स्कूल में रखा है। जैसा कि आपके वीडियो साहब ने बताया कि आप अपनी सहेलियों को, अपने फ्रेंड को, अपने आसपास के लोगों को भी ये कह सकते हो कि आप आओ, भी आओ, सबसे अच्छा स्कूल है, सबसे अच्छी स्टाफ है, सबसे अच्छी जगह है, सबसे अच्छे क्लासरूम है।